नमस्कार छत्तीसगढ़। तो आइए आज आपको हम ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर। जी हाँ, वो पर्यटन स्थल जिसका इतिहास 600 साल पुराना है। जी हाँ, वो पर्यटन स्थल जिसमें कलचुरी वंश के राजाओं और साथ में स्वामी विवेकानंद की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर शहर के बीचों बीच स्थित बूढ़ा तालाब की। जी हाँ, बूढ़ा तालाब या विवेकानंद सरोवर, जिसके नाम से आज अपनी पहचान बनाए हुए है रायपुर शहर के बीचों बीच स्थित ये तालाब, ये सरोवर। जी हाँ, ये तालाब, इसकी कहानी बहुत पुरानी है, 600 साल पुरानी है, जब कलचुरी वंश के राजा यहाँ शासन किया करते थे। पर्यावरण और खूबसूरती यहाँ की देखने लायक हुआ करती थी, वो इस खूबसूरती के आदि हो चुके थे और इसी को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये इतना भव्य तालाब का निर्माण किया गया था। जी हाँ, ये तालाब जो आप इस समय देख रहे हैं, इसके बाद कुछ ही समय बाद 14 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी अपने पिताजी के साथ यहाँ पर अपने पिताजी के दोस्त डे साहब के यहाँ घूमने आए थे। जी हाँ, डे साहब का घर यहाँ इस बूढ़ा तालाब से महज कुछ ही दूर स्थित था और वे वहाँ से रोज इस जगह पर आया करते थे, ध्यान लगाने के लिए, घूमने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए। उन्हीं की याद में ये 37 फीट की ऊंची जो भव्य मूर्ति आप देख रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी की जो मूर्ति है, ये उसी याद में यहाँ पर सन 2005 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका अनावरण किया था, ये भव्य मूर्ति। जी हाँ, मूर्तियों की श्रृंखला में ये मूर्ति सबसे ऊंची होने के कारण इसका नाम निम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। जी हाँ, ये खूबसूरती जहाँ पर कभी कमल के फूल खिला करते थे, रात में ये जगह देखने लायक हुआ करती थी, लोग यहाँ पर आकर बैठा करते थे, शांति का वातावरण रहता था और यहाँ पर काफ़ी सारे नव निर्माण भी किए गए हैं। यहाँ पर एक पार्क का निर्माण किया गया है, मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं एक भव्य पार्क बना हुआ है जहाँ बच्चों के खेलने की व्यवस्था है, युवा जहाँ पर अपना कुछ समय व्यतीत करने के लिए आते हैं, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग आपको नजर आएंगे, बैठने की व्यवस्था की गई है, जहाँ सामने आप देख सकते हैं कि दो बड़े स्टेडियम आपको नजर आ रहे होंगे, एक इनडोर स्टेडियम और एक आउटडोर स्टेडियम। जी हाँ, बलबीर जुनेजा का वो इंडोर स्टेडियम जहाँ बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम हुआ करते हैं और उसी के बगल में एक शिवाजी का भी स्टेडियम है जिसे आउटडोर स्टेडियम कहा गया है। जी हाँ, इसके पीछे ही यहीं पर एक बुढ़ेश्वरनाथ का मंदिर भी स्थित है जो प्राचीन काल से यहाँ पर है, लगभग 400 वर्ष पुराना है। जब आदिवासी यहाँ पर हुआ करते थे तो उन्होंने अपने देवों के रूप में यहाँ पर उनको बसाया था और उन्हीं के नाम से ये मंदिर आज भी जाना जाता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ की जो सुंदरता है वो देखने लायक है, शांति का अनुभव करेंगे जब आप यहाँ पर आएंगे तो। यहाँ बोटिंग की व्यवस्था है, कई सारे नाव आप देख सकते हैं पानी में चलते हुए नजर आएंगे आपको, काफ़ी सारे नाव। यहाँ पर दो तरह की टिकट वितरण होती है, एक पैडल के लिए 100 रुपये का टिकट यहाँ पर मिलता है नाव के लिए, बोटिंग करने के लिए, और साथ में एक दूसरा टिकट भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे जो यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, और काफ़ी सारा मनोरम दृश्य आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यह जो सुंदर सा जगह आप देख रहे हैं आज, जहाँ हम आपको लेकर आए हैं, वो जगह कितनी सुहानी है, कितनी अच्छी लग रही है। जी हाँ, इसका जो इतिहास है वो 600 साल पुराना है और यहाँ कलचुरी वंश और स्वामी विवेकानंद जी और शिल्प लेखों के कारण ये जगह देश में अपना एक स्थान बनाई हुई है, एक फेमस जगह है, जहाँ आजकल टूरिज्म प्लेस भी इसे बना दिया गया है और यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं।
अपना इस दृश्य को देखने के लिए, इस मूर्ति को देखने के लिए, इस भव्य जगह का आनंद लेने के लिए। जी हाँ, जहाँ सरकार इसके रख रखाव में, इसकी साज सजावट में हर साल लाखों रुपए खर्च करती है और साफ सफाई का भी ध्यान रखती है। जी हाँ, जहाँ पर विकास कार्यों के साथ, जहाँ विकास चारों ओर फैला हुआ है, वहाँ एक विकास यहाँ भी नव निर्माण हो रहा है। ये 600 साल पुराना ये कलचुरी वंश का जो ये तालाब आप देख रहे हैं, ये एक समय की बात है जब ये 150 एकड़ में फैला हुआ था, एक बहुत विशालकाय तालाब था, लेकिन आज यह सिमट कर नव निर्माण कार्यों के कारण मात्र 60 एकड़ तक ही सीमित रह गया है। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि यह तालाब महाराज बंद तालाब से जुड़ा हुआ है और बीच में जल निकासी की व्यवस्था भी की गई है। जी हाँ, आज के आधुनिकीकरण में जहाँ आज कई सारे इंजीनियर्स मौजूद हैं, वहाँ पहले आज के इंजीनियर्स की तुलना में पहले के जो कारीगर होते थे वो भी उनको कम मत आंकिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की थी कि यहाँ सदियों साल जो जल है वो भरा रह सके। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा तालाब है, एक समय ये सिविल लाइन तक फैला हुआ था, लेकिन नव निर्माण कार्यों के कारण और निर्माण कार्यों के कारण यह सिमट कर केवल 60 एकड़ तक ही रह गया है। आज यह जरूर छोटा सा तालाब हो चुका है, लेकिन यह अपना जो भव्य मनोरम दृश्य है वह बनाए हुए है। स्वामी विवेकानंद जी की याद में उनकी ये 37 फीट की जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो भी यहाँ पर कायम है और एक अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। ये सुंदर सुहावना मौसम जो आपको दिख रहा होगा आज सारे शहर में, किस तरह से बीचों बीच ये जगह स्थित है और अपना एक अलग ही अपनी छवि बनाए हुए है। तो आज आपने देखा ये बूढ़ा तालाब, जिसे स्वामी विवेकानंद सरोवर भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं लोगों के लिए। ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। तो जब भी आप रायपुर आते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, तो इस जगह पर जरूर आइएगा और इस जगह को एक बार जरूर घूमिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।